सुशांत केस में सीबीआई आज फिर से रिया से पूछताछ करेगी। रिया को लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले कल रिया चक्रवर्ती से 7 घंटे की पूछताछ की गई। अब तक सीबीआई रिया से 2 दिन में 17 घंटे तक पूछताछ कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ के दौरान रिया ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। रिया ने चैट डिलीट करने की बात से भी इनकार कर दिया और सुशांत के पैसों से कोई लेन देन ना होने की बात कहते हुए रिया ने अपना खर्च खुद उठाने का दावा किया। रिया के मुताबिक यूरोप टूर के पहले सब कुछ ठीक था। सुशांत टूर से वापस आना चाहते थे और इस दौरान सुशांत का बर्ताव अजीब था। इस बीच सूत्रों के मुताबिक सीबीआई सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और रिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। रिया से पूछताछ में सीबीआई ने ड्रग्स, सुशांत के पैसे और सुशांत से झगड़े से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसके जवाब रिया ने दिए। रिया ने अपने जवाब में कहा, जब सीबीआई ने उससे पूछा कि ड्रग्स वाले चैट आपके थे, जिस पर रिया ने जवाब दिया कि उसने कभी जिंदगी में ड्रग्स नहीं ली और किसी भी जांच के लिए वो तैयार है। इसके बाद सीबीआई ने पूछा, फिर ड्रग्स वाली चैट क्यों डिलीट की? तो रिया ने कहा कि मेरे फोन से शायद किसी और ने वो चैट डिलीट की। फिर सीबीआई ने रिया से पूछा, क्या वो सुशांत के पैसे खर्च करती थी? इस पर रिया ने जवाब दिया कि वो अपना सारा खर्च खुद उठाती हैं और सुशांत के पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं था। सीबीआई ने रिया से यूरोप टूर के बारे में भी सवाल किया तो रिया बोली, यूरोप टूर पर सुशांत का व्यवहार अजीब था और वो अचानक टूर छोड़कर भारत आना चाहते थे। सीबीआई ने रिया से फिर पूछा कि उसका सुशांत से झगड़ा क्यों हुआ, तो रिया ने जवाब दिया कि वो झगड़ा किसी प्रोजेक्ट को लेकर नहीं हुआ, बल्कि दोनों साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहे थे। सुशांत केस में बड़ी खबर, एक ऑडियो सामने आया है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत रिया और श्रुति मोदी के साथ है। इस ऑडियो क्लिप में वो सारी बातें कैद हैं जो बताती हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत से कुछ वक्त पहले तक क्या सोच रहे थे। वो मुंबई शहर और फिल्मी दुनिया से उब चुके थे और रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। खास बात यह है कि इस मीटिंग में रिया चक्रवर्ती के पिता और सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल एडवाइजर भी बैठे हुए हैं। ये मीटिंग जनवरी में हुई थी। I have another question. Now, for example, if we have, say, 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that's still the trustees can... The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which is less risky. You can define all that. It can be a simple or a huge document as... critical as complicated. See, this is the worst case scenario. I personally feel like it's, we can come to this conclusion after a month. And you know, my bigger concern is this, that honestly at this point of time, any contract that is being arrived at is going to be null and void. He's not his true legal definition is that you're not in a sound state of mind. So whatever we contract today is null and void. And that's my biggest concern. Fair enough. So before that, I feel that setting up a trust is done in far more extreme situations. I know for us, Sushant, this is critical. I understand what state of mind you are in, but believe you me that this is still not a situation where we would set up a trust. उत्तर कोरिया और चीन के बीच तलवारें खिंचने की नौबत है, क्योंकि वहां के तानाशाह किम जोंग उन ने हुक्म जारी कर दिया कि चीन से लगने वाली सीमा के पास कोई भी दिखा तो उसे सीधा गोली मार दी जाएगी। और ऐसा इसलिए ताकि उत्तर कोरिया में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। आदेश भी ऐसा कि चीन की सीमा के पास कोई भी दिखे तो उसे सीधा गोलियों से छलनी कर दिया जाए। पुलिस और फौज को खुली छूट है कि अगर बॉर्डर से 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गोली लगने से मरता है तो किसी से कोई सवाल तक नहीं पूछा जाएगा। उत्तर कोरिया और चीन का बॉर्डर 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। कोरोना वायरस के अब तक एक भी पॉजिटिव केस के उत्तर कोरिया में होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किम जोंग उन को लगता है कि उनके दुश्मन अब वहां वायरस भेजने की फिराक में है, इसलिए उसे रोकने के लिए वो किसी भी जंग में कूदने के लिए तैयार हैं, चाहे चीन से ही टकराने की नौबत क्यों ना आ जाए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई घंटों तक हुई बारिश की वजह से सभी नालों में उफान आ गया, जिसके बाद पुल के ऊपर से पानी सैलाब की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। सामने आई एक तस्वीर में एक पुल के ऊपर से पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि कोई भी देखकर डर जाए। ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि सैलाब के बीच से गुजरना कभी भी हादसे का सबब बन सकता था।
जरा सी चूक से कोई भी पानी के तेज बहाव में बह सकता था। बताया गया कि कोई और रास्ता ना होने की वजह से लोगों को मजबूरी में भी इस तरह के पुल को पार करना पड़ा। कुछ बच्चे इस सैलाब के बीच सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। जिले में भारी बारिश की वजह से सभी सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। अनलॉक 4 के तहत देश भर में मेट्रो सेवाओं को 7 सितंबर से शुरू किया जाएगा। अनलॉक 4 के तहत देश भर में मेट्रो सेवाओं को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी मेट्रो कंपनियों के साथ केंद्रीय शहर विकास मंत्रालय 1 सितंबर को चर्चा करेगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव कैदी फरार हो गया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें बना दी गयी। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद राजस्थान के कोटा में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 1954 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जबकि 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 मरीजों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में इंदिरा सागर बांध के गेट खुलने के बाद नर्मदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया। क्या आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सनी लियोनी आपकी क्लास में आपकी क्लासमेट बन जाए और लोग आपके साथ वो पढ़ाई करें। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि कोलकाता के कॉलेज की एक मेरिट लिस्ट में सनी लियोनी को भी एडमिशन की जगह मिल गई है। तो क्या सच में सनी लियोनी कोलकाता से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने वाली हैं? अब जल्द ही सनी लियोनी कहलाएंगी बीए पास। सनी के पास इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री होगी। ऐसा कहने के पीछे वजह क्या है ये भी जान लीजिए। कोलकाता के एक कॉलेज की इस मेरिट लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। मेरिट लिस्ट में पहला नाम सनी लियोनी का ही है। तो क्या सच में सनी लियोनी बीए की पढ़ाई करने वाली हैं? क्योंकि लिस्ट में तो उनका नाम टॉप पर है। सोशल मीडिया तो इस लिस्ट को देखकर फूले नहीं समा रहा। सनी लियोनी के नाम वाली मेरिट लिस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सही कहते हैं, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। अब सनी को ही देख लीजिए, कोलकाता से बीए करने जा रही हैं। अब कोई सेलिब्रिटी कोलकाता के कॉलेज में पढ़ने आएगी तो कॉलेज और सोशल मीडिया पर हल्ला हंगामा तो होना ही है। सनी लियोनी का नाम आशुतोष कॉलेज की मेरिट लिस्ट में, वो भी बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए। कोलकाता वालों के लिए खुशखबरी है। वायरल हो रही लिस्ट में सनी की एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर भी है। गौर से देखिएगा, लिस्ट के मुताबिक उन्हें 12वीं के बोर्ड परीक्षा में 4 विषयों में 400 में से 400 अंक मिले हैं। तो क्या सच में सनी लियोनी कोलकाता में पढ़ाई करने वाली हैं? पड़ताल करने पर हमें सनी लियोनी के ट्विटर हैंडल से किया हुआ ट्वीट मिला, जिसमें लिखा गया है, चलिए अगले सेमेस्टर में मिलते हैं, दुआ करती हूं कि आप सब मेरी क्लास में होंगे। लेकिन ये ट्वीट तो मजाक में लिखा गया है। सच जानने के लिए हमने कोलकाता के आशुतोष कॉलेज से संपर्क किया। कॉलेज ने न्यूज 18 इंडिया को सफाई देते हुए बताया, सनी लियोनी का नाम मेरिट लिस्ट में आना किसी की शरारत की वजह से हुआ है। किसी ने जानबूझकर सनी लियोनी के नाम से गलत आवेदन भेजा। कॉलेज ने गलती सुधारने के लिए संबंधित विभाग को कहा है, साथ ही कॉलेज प्रशासन घटना की जांच भी करेगा। सनी लियोनी का नाम आशुतोष कॉलेज में ही नहीं, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज कॉलेज की मेरिट लिस्ट में भी आया। बीए इंग्लिश ऑनर्स की 157 छात्रों की मेरिट लिस्ट में सनी का नाम 151वें नंबर पर है। दो दो कॉलेज की मेरिट लिस्ट में ही नाम आने पर सनी लियोनी ने मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया है। इससे पहले साल 2019 में बिहार में जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में टॉप करने पर सियासी घमासान मचा था। नीतीश सरकार के मंत्री को सफाई भी देनी पड़ी थी।
यूं तो सनी लियोनी की जिंदगी के बारे में किसी से कुछ नहीं छिपा है और अक्सर कई बार उन्होंने पब्लिक मंच पर यह कबूल किया है कि उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में नर्सिंग की पढ़ाई की है। मतलब साफ है कि कॉलेज होगा, क्लास भी होगी, लेकिन उस क्लास में सनी लियोनी नहीं होंगी। सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती की बातचीत का जो ऑडियो सामने आया है उसमें सुशांत सिंह राजपूत अपने घर के खर्च कम करने की बात कर रहे हैं। रिया सुशांत की आमदनी और कार्ड के बारे में बातचीत कर रही हैं। Oh, there is a limit. Yeah. So we have two cards here. Mm. One is a small card, one is the larger one. Mm. Larger one is his that has a 5 lakh limit, mm. and a smaller one has a 50 grand limit. Mm. This was changed once we came in earlier. The same. Yeah. So same. She did all that with the bank. Mm. We got that. I'm just saying, what can we do to just ensure that I stop spending money that I should not spend? We have this list of expenses that you incur every month, right? Mm. Right from this house to employees to cars to everything. And currently, the status of this corpus, assuming there's no further income, it's difficult or impossible rather to even sustain that kind of expenditure. Mm. Yeah. So you'll need to cut down whichever can be cut down immediately and start saving money. So this house, probably. But since it's a new license and he has a deposit, maybe we'll have to speak to the... We can speak and get out of it. But I was just saying for that call to happen, for the decision to happen, maybe in a month we can start talking to the owner. Yeah, and I'm thinking in good faith we can even start helping him find another tenant. Because it's happened to me also. I've been in a situation where you wanted to get out. You identify somebody else and say, look, but we have someone. So, you know, it will switch. As soon as I leave, this person will come. In good faith, honestly. And he's a good guy also. Yeah, yeah. So, that don't worry about that. Don't think ki hamara lock-in hai, abhi hat nahi sakte. If it's money that is pinching our pocket, we'll find a way to cut it out. Great. Yeah. Everything has a solution. So just let's identify end goals and work backwards. Yeah. Correct. So this is the first goal is this money. Hmm. Like whatever money he has, you know, invested in a way that he gets some returns. So that I know that this is the amount. This is the amount he's getting every month. Then he can plan accordingly to give up this house. I don't mind going to a green secluded place like Goa or Pavna. We're quite happy whenever we've gone to Pavna. So we're there for days till I like what is going on. So that's just whatever is going to give you peace of mind. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month, I'm peaceful here. I want to be here mostly. Decide if he should. Then we can start talking about getting rid of this house and speaking to the owner. Hmm. Yeah, we can have the plan of, I think, how to invest and everything. Okay, yeah, that's the easier part, you know, that will close in a day or two. Given to me. If you can give him an idea of how much money he can get every month from returns. Well, ballpark, I give you a number of 5 lakhs a month. That's, you'll be able to get that. Yeah, that's a ballpark number. That's beyond that would be difficult. On an investment of? What will be the return percentage? Well, we are taking just not even 9 to 12% per annum. Okay. And after taxes, you'll be left with 5 lakhs a month. Okay. So we could have a higher rate of return when the risk increases. Yeah. So we're at the one. No, what I was asking is, so the corpus invested for that will be about 6. Around 6 or so. Correct. That's what I in fact told her, that give it 5-6 months here initially with Pavna. Because you have the place. Yeah. And we're paying rent and then you go to Goa and see if you want for a month. Yeah. I was saying that it's too expensive. Which one? The Pavna place. For Pavna standards, it may be expensive. Yeah, for Pavna standards, it's expensive. It's fine. He seems to be enjoying it. And yeah. So I don't know the size of the property. We checked with some person who lives there and owns a property. The area rate is 50-60 lakhs an acre. It's made well. There's like a river also close by, right? Yeah. Access to the lake. There's a Pavna dam or whatever. Yeah. See, he's thinking of the future. Like, he's worried about the future. You know, I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. I don't mind going to a green, secluded place. So the attempt is now that in 1 or 2 days, we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days.
ओडिशा में हीराकुंद बांध से बाढ़ का पानी छोड़ने के बाद कटक के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से बांध में जरूरत से ज्यादा पानी भर गया था और जब महानदी पर बने हीराकुंड बांध से पानी छोड़ा गया तो नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कटक के कई इलाके पानी में डूब गए। कई गांव नदी में आई बाढ़ की भेंट चढ़ गए। वहां से आई एक तस्वीर में गांव के अंदर कई फीट पानी भरा दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे गांव में कोई नदी बह रही हो। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में बाढ़ के पानी में कई मकान और मंदिर डूबे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, गांव को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों पर नदी के पानी ने डेरा जमा लिया। एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिसमें पानी से भरे एक पुल से कई गाड़ियां गुजरती दिखी। कुछ ट्रक भी वहां से गुजरते नजर आए जिनके टायर पूरी तरह डूबे दिखे। पुल पर पानी भरने की वजह से कुछ लोग बाइक को धक्का देकर उसे पार करने की कोशिश करते भी दिखाई दिए। कटक के ही एक दूसरे इलाके से बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में नदी किनारे बने कई मंदिर पानी में डूबे दिखाई दिए। देखने में ऐसा लगा जैसे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो। फ्रांस के एक स्टंटमैन ने दो पहाड़ों के बीच रस्सी पर चलने का करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया। ये स्टंटमैन पहले भी इस तरह के कई रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन इस बार उसने अपने स्टंट के लिए फ्रांस के एल्प्स पर्वतों को चुना। इसके लिए दो चोटियों के बीच रस्सी बांधी गई और फिर इस स्टंटमैन ने उस पतली सी रस्सी पर चलना शुरू कर दिया। इससे पहले वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तैयारियां पूरी करने के बाद वो रस्सी पर बैठ गया। जल्द ही वो संतुलन बनाते हुए रस्सी पर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने लगा। रस्सी इतनी ऊंचाई पर बंधी थी कि वहां से फिसलने पर उसका बचना मुश्किल हो जाता। हालांकि उसने सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे, फिर भी ये स्टंट काफी खतरनाक था। तमाम खतरों के बीच वो आसानी से रस्सी पर चलते हुए उसके दूसरे छोर पर पहुंच गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। ये वही आतंकी थे जिन्होंने कल देर रात सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की थी। आतंकियों के हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ अभी जारी है और आपको बता दें कि ये वही आतंकी थे जिन्होंने कल देर रात सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की थी। आतंकियों के हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया है और 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रेलवे अधिकारी की बेटी ने अपनी मां और भाई को गोली मार दी। घटना का पता चलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि लड़की नाबालिग है और वो पिछले कई महीनों से डिप्रेशन में थी। पूछताछ में लड़की ने दोनों की हत्या करने की बात भी कबूल ली है। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है और इस बात की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है कि डिप्रेशन की वजह से लड़की ने वारदात को अंजाम दिया या फिर हत्या के पीछे की वजह कुछ और है। रेलवे अधिकारी राजेश देशपांडे की पत्नी और बेटे की सनसनीखेज हत्या का कुछ ही घंटों में हो गया है खुलासा। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि राजेश देशपांडे की शूटर बेटी जो फिलहाल नाबालिग है उसने ही इन दोनों हत्याओं को अंजाम दिया है। उसके पास जो 0.22 mm की शूटिंग की पिस्टल थी उसी से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। एक घर में जो शीशा लगा था उस शीशे में भी डिसक्वालिफाइड वुमेन लिखा हुआ था। उस शीशे के ऊपर भी एक राउंड गोली चलाई गई है और बताया जा रहा है कि उस बेटी ने अपनी माँ और अपने भाई के ऊपर भी एक एक राउंड गोली चलाई है। जो असलहा बरामद हुआ है 0.22 mm का, उसमें 5 पैलेट्स मौजूद हैं अभी भी और 3 पैलेट्स 3 गोलियाँ इस्तेमाल हुई हैं। एक गोली सर्वदत्त को लगी है, एक उसकी माँ को लगी है और एक शीशे पर मारी गई है, वो गोली बरामद भी कर ली गई है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हत्यारोपी फिलहाल नाबालिग है और वो डिप्रेशन का शिकार है। ऐसा माना जा रहा है कि डिप्रेशन के चलते ही उसने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। उसने अपने हाथ पर भी रेजर से कुछ घाव बनाए हैं जिसको खुद लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने कंफर्म किया है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। और बेटा सर्वदत्त वाजपेयी जो 16-17 साल का है, उनकी डेड बॉडीज मिली थी, उनके बेडरूम में मिली थी और उनको गनशॉट इंजरीज थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली इस घटना को अंजाम इनकी बेटी ने दिया है। ये जुवेनाइल है, इसको डिप्रेशन है और इसने अपने दाहिने हाथ में बहुत बैंडेज बांधे हुए थे। जब उसे खुलवाया गया है तो इसने रेजर से बहुत वुंड्स अपने को इन्फ्लिक्ट किए हुए हैं।
कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से पूरे देश में लागू होने जा रहे अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ देश भर में मेट्रो सेवाओं को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की इजाजत दे दी। 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को भी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन एक छत के नीचे 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। इसके अलावा शादी और अंतिम संस्कार में भी 100 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन इस दौरान सभी को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकेंगे। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार से बिना पूछे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नदी में एक मकान के ढहने की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया और कई जगहों से कटान की तस्वीरें सामने आई। और ऐसी ही एक तस्वीर में एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। आसपास के कई लोगों ने इस घटना को देखा और उसे देखकर वो लोग खौफ से भर गए। तस्वीरों में दिखा कि नदी के बिल्कुल किनारे बने उस मकान का बड़ा हिस्सा नदी में डूब चुका था, जिसके बाद पानी के तेज बहाव के आगे वो टिक नहीं सका। बताया गया कि नदी के किनारे बने कई और मकान भी इसी तरह से ढह गए। इसके अलावा कई इलाकों में जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। नदी का पानी गांव में घुसने के बाद मगरमच्छ भी घूमते हुए दिखाई दिए, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। रिया और सुशांत के ऑडियो से साफ है कि सुशांत रिटायरमेंट लेकर ट्रस्ट बनाना चाहते थे और रिया ये जानना चाहती थी कि ट्रस्टी के हाथ में पैसे से संबंधित फैसले लेने की कितनी ताकत होगी। ऑडियो के इस हिस्से में सुशांत कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो शायद एक्टिंग करने लायक ना रहे और इसी डर से वो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। That part is the easier part, you know, we'll have the banker come in and he'll do that asset management. He's still in charge, I mean, a few months later also, and you know, I'm pretty sure we're all confident that you are going to bounce out of this state of mind in a few months, if not sooner. So you still have full control at that stage, right? Correct. I'm just saying that we have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do, number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So, in some sort of a way, I mean, like it's 50-50. Mm. It's not that we can be confident that I can come back and. But that you let us decide. You're deciding all this for yourself. No, let us decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months. Okay, there are better ways of putting people in charge and monetizing your assets and making sure that it is not just, you know, going to get depleted and is enough to last you for a few years to come. There are ways to do that. Your money can work for itself and generate more income. Exactly. We need that. That is the concern, correct? The short. We need that. Correct me if I'm wrong, but we want to make sure that, okay, I should get X amount of rupees a month to make sure that my expenses, my rent, etc., etc., is being taken care of. हमारे देश में नोटों पर किसकी तस्वीर है? आप कहेंगे ये क्या बात हुई, महात्मा गांधी की और किसकी। लेकिन सोशल मीडिया पर एक नोट की तस्वीर वायरल है जिसमें महात्मा गांधी नहीं बल्कि भगवान गणेश की तस्वीर है। आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या भारत में नोटों की नई सीरीज आने वाली है? आइए देखते हैं। इस नोट पर कुछ अलग दिख रहा है आपको? नोट के मुख्य भाग पर गणपति की तस्वीर है। कहां की तस्वीर है ये? वायरल तस्वीर में इसके बारे में भी लिखा है, इंडोनेशिया। इस नोट के बारे में लिखा गया है, दुनिया का एकमात्र देश जिसके नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। गणपति बप्पा मौर्या। इन
इंडोनेशिया में करीब 87.5% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, वहां सिर्फ 3% हिंदू आबादी है। बावजूद इसके क्या इंडोनेशिया में भगवान गणपति की पूजा होती है? अगर नहीं तो क्या भगवान गणेश की तस्वीर एडिट करके तो नहीं लगा दी गई? या फिर द नीदरलैंड्स की राम मुद्रा की तरह ये भी कोई कूपन है जो किसी खास जगह ही चलाया जा सकता है? तो क्या सच में भारत से करीब 9000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में ऐसी करेंसी चलती है जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी हो? हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें 20,000 के इस नोट का वीडियो भी मिला। पड़ताल आगे बढ़ाने पर पता लगा कि इंडोनेशिया में भगवान गणेश को कला, शिक्षा और विज्ञान के देवता के तौर पर माना जाता है। इस नोट पर गणपति के साथ इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री की भी तस्वीर है, जबकि पीछे वाले हिस्से में क्लासरूम की फोटो छपी है जिसमें छात्र और शिक्षक की तस्वीरें हैं। इंडोनेशिया में करेंसी को रुपया कहते हैं और कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से पटरी पर से उतर गई थी, जिसके बाद वहां 20,000 रुपया का नोट जारी किया गया था जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर छापी गई। इसको छापने के पीछे आर्थिक चिंतकों का मानना था कि इससे अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो जाएगी। जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने वहां के इंडोनेशिया के मिनिस्टर से पूछा, ये गणपति कैसा लगा दिया आपने? वहां कहा कि 1997 में हमारी करेंसी गिर रही थी और कोई उपाय दिखाई नहीं, तो एक बाली से एक पुजारी आए, उन्होंने कहा कि गणपति के चित्र लगा के एक नोट छापो, रुक जाएगी। अब सब ट्राई कर गया, कुछ नहीं हुआ, तो हमने कहा इसको ट्राई करेंगे और छापा और गिरना रुक गया। खास तरह के ये नोट इंडोनेशियाई सरकार ने साल 1998 में जारी किए थे। गणपति की फोटो वाला 20,000 का इंडोनेशियाई नोट 10 साल तक प्रचलन में रहा। इसके बाद साल 2008 में इसे बंद कर दिया गया। भारतीय मुद्रा में इस नोट की कीमत 100 रुपए से भी कम है। गणपति के अलावा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया पर रामायण की भी गहरी छाप है। राम कथा इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। एक मुस्लिम बहुल देश जहां रामायण मंचन और नोट पर गणपति की तस्वीर भले ही हैरान कर देने वाली बातें हैं, लेकिन इंडोनेशिया अपनी इन सांस्कृतिक पहचान के साथ बहुत सहज है। साफ है, इंडोनेशिया ने अपनी करेंसी नोट पर गणपति की तस्वीर तो छापी थी, लेकिन अब यह मुद्रा चलन से बाहर हो गई है। सिर्फ रिया ही नहीं, सुशांत मौत केस के एक और अहम किरदार सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर सीबीआई की सिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई लगातार सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ कर रही है। कल हुई पूछताछ में सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से 8 से 14 जून के बीच हुई घटनाओं के बारे में पूछा। इतना ही नहीं, सीबीआई ने पिठानी से सुशांत के पैसों के बारे में भी पूछा कि क्या रिया उनके पैसे खर्च करती थी। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से 8 जून से 14 जून तक घटने वाली घटनाओं के बारे में पूछा, जिस पर पिठानी ने बताया कि 8 जून को 11 बजे सुबह रिया घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद सुशांत की बहन मीतू सिंह उनके घर आई। 12 जून को मीतू सिंह भी अपने घर वापस चली गई। मौत से एक दिन पहले यानी 13 जून को सुशांत ने सभी बिलों का भुगतान किया, लेकिन उस रात सुशांत ने खाना नहीं खाया।
पिठानी ने बताया कि पैसों की गड़बड़ी पर सुशांत सैमुअल मिरांडा से नाराज थे। अगली सुबह यानी 14 जून को सुबह 10:30 बजे केशव आया। केशव ने सभी को बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। इसके बाद सभी ने मिलकर कई बार दरवाजा खटखटाया। तभी मीतू ने कॉल कर कहा कि सुशांत फोन नहीं उठा रहे। दोपहर करीब 1:20 पर ताला खुलने वाली चाबी वाला रफी आया। ताला खुलने के बाद वो और दीपेश कमरे में अंदर गए, जहां उन्होंने कमरे के अंदर सुशांत को पंखे से लटका हुआ पाया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में एक स्टार्टअप ने ऐसा हेलमेट बनाया जिसे पहनने वाले इंसान का कोरोना वायरस बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दावा है कि वायरस से सीधे तौर पर दो दो हाथ करने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए यह हेलमेट बड़ा हथियार साबित होगा, क्योंकि इसे पहनकर वो वायरस की चपेट में नहीं आएंगे। और इसलिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में इस स्टार्टअप के इंजीनियर कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा हेलमेट बनाने के काम में जुटे नजर आए। इस हेलमेट में एक फिल्टर लगा है जिससे ये बाहर की दूषित हवा से वायरस और बैक्टीरिया को छान कर अंदर पहुंचाता है। ये हेलमेट प्लास्टिक और सफेद रंग के खास कपड़े से बना है, जिस वजह से ये आम हेलमेट के मुकाबले बेहद हल्का है। साथ ही इसके अंदर बैटरी से चलने वाला एक पंखा भी लगा है ताकि इसे पहनकर घुटन महसूस न हो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कार पानी के तेज बहाव में बह गई और उसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यह हादसा एक मंदिर के पास हुआ जहां कुछ श्रद्धालु भी मौजूद थे। तभी वहां खड़ी एक कार पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी। सैलाब की तरह बह रहे पानी में वो कार किसी खिलौने की तरह इधर उधर बहती रही। किनारे खड़े कई लोग इस घटना को देखने के लिए जुट गए। काफी देर तक बहने के बाद वो कार किनारे पर जाकर अटक गई। इसी तरह कुछ और गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आईं। बारिश की वजह से पानी का जल स्तर बढ़ने के बाद वहां की कुछ दुकानों ने भी जल समाधि ले ली। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश ने हाहाकार मचा दी। आसमान से बरसती आफत ने जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए और इसकी वजह से कई गाँव टापू में तब्दील हो गए। हर तरफ पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सामने आई एक तस्वीर में एक पुल के ऊपर से पानी समंदर की लहरों की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर भी पानी कमर तक नजर आया। कई इलाकों में तो बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसके बाद लोग पानी को घर के बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। नदी के आसपास की तस्वीरें तो और भी डराने वाली थी। पानी के तेज बहाव को देखकर नाव चलाने वाले भी किनारे खड़े नजर आए। कई फीट तक पानी भरने के बाद कुछ सड़कों को एहतियातन बंद भी कर दिया गया। महाराष्ट्र में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड करीब 17,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए और पिछले 24 घंटों के दौरान 328 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वायुसेना की मदद से बाढ़ वाले इलाके में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से छोटी बड़ी नदियों में उफान आ गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई दूसरे मंदिरों में भगवान के दर्शन किए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गणेश विसर्जन के दौरान 2 लोगों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चोरों ने किराने की एक दुकान में घुसकर कैश काउंटर में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे एक आदमी और उसके पालतू कुत्ते को वायुसेना की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। बाढ़ में फंसे आदमी को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर और गरुड़ कमांडो की मदद ली गई। सबसे पहले सेना का जवान एक रस्सी की मदद से उस जगह पर उतरा जहां वो आदमी और उसका कुत्ता फंसा हुआ था। बाद में दोनों को रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर पर खींच लिया गया और इस तरह वायुसेना ने दोनों को सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस लड़ाई का वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 2 पक्षों के लोग आपस में डंडों और पत्थर से हमला करते हुए दिखाई दिए। एक पक्ष अपने पूरे परिवार के साथ दूसरे पक्ष से लड़ता हुआ नजर आया। इस दौरान उनके हाथों में जो भी चीज मिलती वो उसे दूसरे पक्ष पर फेंकते हुए दिखाई दिए। साथ ही डंडों से भी जमकर लड़ाई होती रही। दोनों तरफ से हो रहे पथराव की वजह से कई लोगों को चोटें भी आईं।
लेकिन उसकी परवाह किए बिना वो लोग काफी देर तक लड़ते रहे। हालांकि दोनों पक्षों की कुछ महिलाएं बीच बचाव के लिए भी आती रहीं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं आसपास के लोग अपने मकानों की छतों से इस लड़ाई को देखते रहे। खबर है कि हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के एल कोलोराडो में कोरोना संकट के बीच लोग स्कीइंग करते हुए दिखाई दिए। चिली में इस महामारी के अब तक 4 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद जब स्कीइंग रिजॉर्ट को खोला गया तो वहां कई लोग पहुंच गए। बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर लोग स्कीइंग करते नजर आए। कोरोना के बीच इस खेल का मजा लेने के लिए वहां बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को भी देखा गया। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी कई उपाय किए गए थे। जगह जगह कोरोना से बचाव के लिए निर्देशों वाले बोर्ड दिखाई दिए, जिनके जरिए लोगों से दूरी बनाए रखने और हमेशा मास्क लगाए रखने की अपील की गई। खबर है कि वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या फिलहाल सीमित रखी गई है। जनवरी के बताए जा रहे सुशांत और रिया के ऑडियो में सुशांत कह रहे हैं कि उनका प्राइम टारगेट पैसा कमाना नहीं है और बातचीत सुनकर लगता है कि वो इत्मीनान से रहना चाहते थे। भागम भाग की जिंदगी और शहर की आपाधापी से वो उब चुके थे और रिटायरमेंट का प्लान कर रहे थे। Give us 2 days at least. Yeah, there's nothing to worry. There's a corpus. You'll have to limit till you start earning again, which could be a few months, as you rightly said. He's pretty pessimistic on that working again thing, so. Yeah, it could be active enough, but yeah. I'm not sure what about the economic side of it, yes, sir. That word has been used. Yeah, so that's what I'm saying. Realytics? I was just going to say, No, actually, you know what? I feel he wants an assurance, a financial assurance, that what he has is compatible with his lifestyle. Maybe a little donor. Yeah, of course. Yeah. I can go severely down. Mm-hmm. And I hardly that's go out of my room. Right. Yeah. And no, that I'm not sure we'll be able to work something. Fair thing. But yeah, it's a long life. So working again, it has to be a goal post that you have to achieve. Yeah, so yeah, that's what I'm saying. Yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care of that. But not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, like one day I feel something and the second day I feel something else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Right. Yeah. So like that, if you could plan once, then. You should go something. Yeah. You are the best people. Saviors. Wednesday. For my birthday, for sure. 21st. What time would it be? I'm okay. Wednesday is open, so. You want me around you as a gift. Done. Evening. Yeah. Security is a great deal. Let's keep it last meeting of the day. That should be all right. सुशांत और रिया के सामने आए ऑडियो की बातचीत में सुशांत अपने खर्च कम करने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लग्जरी कार बेचना चाहते हैं। रिया और उनके साथ मौजूद सलाहकार कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। सुशांत कह रहे हैं कि वो इनोवा जैसी कार से भी काम चला सकते हैं। She rightly said selling cars etc. I shouldn't even think. It's a loss making decision. But I'm not going to use it now, so. Yeah, but you'll need one car, right? Still our any day journey. Like if I didn't have one, then I would buy one Innova or something, right? Right. That's you my favorite. You can sell these two and buy an Innova or something. एक महीने के बाद वही बता करते हैं। मनी टू बाय एन ओवर। बुरे दिन से रिलेटेड करते हैं। पर सेलिंग का माजराटी। यू वोंट गेट। पर बाय सेल माजराटी बाय एन ओवर। ओवरनाइट सब करने की जरूरत। सेल माजराटी बाय रेंज। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सिंधिया हाथ में चप्पल पकड़े दिख रहे हैं। इसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोग सिंधिया पर तंज कस रहे हैं कि कैसे एक राजे रजवाड़े के खानदान से संबंध रखने वाला व्यक्ति हाथ में चप्पल लिए घूम रहा है। आखिर इस तस्वीर की सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं। नीले रंग का कुर्ता पैजामा पहने इस शख्स को तो आप पहचानते ही होंगे।
लेकिन बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में चप्पल क्यों? अठारह साल कांग्रेस में बिताने के बाद मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके समर्थकों ने सिंधिया के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई बताया। इसी मान सम्मान को हथियार बनाकर सोशल मीडिया पर लोग वायरल तस्वीर के जरिए सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं। ग्वालियर में हाथ में चप्पल लिए महाराज को देखकर लोग पूछ रहे हैं, क्या इसी सम्मान के लिए कांग्रेस छोड़ी थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में चप्पल क्यों है? क्या उन्होंने अपनी ही चप्पल हाथ में ले रखी है? यह भी हो सकता है कि तस्वीर एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल की गई हो। हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल शुरू की। पड़ताल करने पर हमें वायरल हो रही तस्वीर का पूरा वीडियो मिल गया। आशीर्वाद प्रदान करके आदेशित करें कि आज आपके समक्ष अपना चप्पल ग्रहण करें या प्रदोष सिंह तोमर को यहां आमंत्रित करता। वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनने के लिए स्टेज के सामने बुला रहे हैं, जो खाली पैर ही स्टेज के सामने आ जाते हैं, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चप्पल पहना। अब सवाल ये कि आखिर प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं कौन, जिसे सिंधिया चप्पल पहना रहे हैं, और वजह क्या है? जवाब के लिए हमने मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से बात की। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था, उस संकल्प को मध्य प्रदेश की दुरावस्थावादी जो सरकार थी उसके खिलाफ उसने संकल्प लिया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और ग्वालियर में जब ये कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए, तो आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने आह्वान किया कि भाई अब आपके संकल्प पूरे हो रहे हैं, और आप जो नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनको चप्पल पहनाई। दरअसल मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ग्वालियर के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था कि जब तक उनके इलाके के लोगों की दिक्कतें दूर नहीं होती तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे, नंगे पैर रहेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर उन नेताओं में से एक थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन दल बदल कानून की वजह से उनकी विधायकी खत्म हो गई। फिर दोबारा शिवराज सरकार बनने पर तोमर को मंत्री बना दिया गया। 22 अगस्त को ग्वालियर में हुई बीजेपी की सभा में भी प्रद्युम्न सिंह तोमर बिना चप्पल के पहुंचे थे, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच पर तोमर को चप्पल भेंट कर उनका संकल्प तोड़वाया। वायरल तस्वीर ठीक उसी समय खींची गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाने जा रहे थे। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी 22 अगस्त को ट्वीट कर घटना की जानकारी दी थी। साफ है, वायरल तस्वीर से सिंधिया के अपमान का कोई संबंध नहीं। सिंधिया ने चप्पल जरूर हाथ में उठाई, लेकिन ये उन्हीं की सरकार के मंत्री के लिए थी जो कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस का हिस्सा थे। सुशांत सिंह के पर्सनल असिस्टेंट रहे साबिर अहमद ने दावा किया कि सुशांत कभी ड्रग्स नहीं लेते थे। साथ ही साबिर ने यह भी दावा किया कि सुशांत को उन्होंने कभी भी डिप्रेशन में नहीं देखा। साबिर का कहना है कि रिया आप जो बातें बोल रही हैं, सीबीआई को सबकी जांच करनी चाहिए। आज दो दिन से जो न्यूज़ चल रही है ड्रग्स के बारे में, या कुछ उनको डर था फ्लाइट में, ऊंचाई से डर लगती थी उनको, उसके पहले कोई दवा लेते थे, लेकिन मुझे ये चीज़ में कोई अजीब लग रहा है, क्योंकि जितने दिन मैं उनके साथ था ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी जैसे ऊंचाई से डर लगता है। क्योंकि उनको अगर ऊंचाई से डर लगता है वो खुद ड्राइव क्यों करेंगे, वो पायलट बन के फ्लाइट क्यों उड़ाएंगे वो? क्योंकि आप लोग देखेंगे शायद से, क्योंकि इंस्टा पे उनका एक पोस्ट है जो वो खुद फ्लाइट उड़ा रहे थे, पायलट बन के बैठे हुए थे। अगर उनको डर था, कोई उनको अंदर से कुछ प्रॉब्लम थी या दवा ले रहे थे, क्या एक टेबलेट से वो ख़त्म हो जाती उनका डर? वो उड़ा रहे थे,
तो इसमें मैं उतना श्योर नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है ऐसे, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि उनका उस टाइम कोई डर नहीं था। और रही बात ड्रग्स की, जब भी मैं था उनके साथ तभी ऐसे ड्रग्स वगैरह कोई भी उन्होंने लिया नहीं। और फैमिली सपोर्ट अच्छी थी, उनका बॉन्डिंग अच्छा था, उनके बहन बहुत सपोर्ट करते थे, और जो प्रियंका थी ये दिल्ली में रहती वो बहुत सपोर्ट करती थी क्योंकि वो आती थी बहुत खुश रहते थे वो, और उनके सपोर्ट के वजह से वो इतना आज इतना मौका तक पहुँचा, अभी वो इतना स्टार बन गया, अभी उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे तो नहीं लगता है ऐसे कुछ फैमिली की वजह से वो ऐसे कुछ कर सकते हैं। अगर अंदर सोए हुए तो वो लॉक कभी नहीं करते थे, जो खुला ही रहता था, क्योंकि अगर वो लॉक कर दिया तो शूट का टाइम रहता है, कॉल टाइम रहता है, कॉल टाइम के हिसाब से उनको उठना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है शूट पे, तो वो कभी लॉक नहीं करते थे। बर्लिन की राजधानी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी की वजह से प्रदर्शन पर रोक लगाने के सरकार के फैसले पर हाल ही में कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, जिसके खिलाफ हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कोरोना की वजह से बढ़ाई गई सख्ती पर नाराजगी जताई और जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के बीच इस तरह की तस्वीर डराने वाली थी क्योंकि कई लोग तो बिना मास्क के ही दिखाई दिए। वहीं एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ख्याल किसी को नहीं आया। इस बीच जब पुलिस के जवान वहां पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कई रास्तों को पहले ही बंद कर दिया था ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ पाए। जापान के इब्राकी में पर्यटकों को लुभाने के लिए समंदर किनारे एक लाइब्रेरी बना दी। वहां के ओराइसन बीच पर हर रोज हजारों सैलानी पहुंचते थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो काफी वक्त से वीरान पड़ा था, और इसलिए सैलानियों को लुभाने के लिए वहां लहरों के किनारे एक लाइब्रेरी बना दी गई, जहां आकर लोग ठंडी हवाओं के बीच समंदर के साथ ही किताबों का भी मजा ले सकते हैं। ओराइसन बीच से सामने आई कुछ तस्वीरों में कुछ सैलानी वहां टहलते तो कुछ कुर्सियों पर बैठकर किताबें पढ़ते दिखाई दिए। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए वहां रखी कुर्सियों के बीच 6 फीट की दूरी भी नजर आई। सैलानियों के लिए इस लाइब्रेरी में अंग्रेजी और जापानी भाषा की करीब 800 किताबें रखी गई हैं, और ये लाइब्रेरी लोगों के लिए पूरी तरह मुफ्त है।